नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका। लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं, किसी को घूमने फिरने का तो किसी को खाने पीने का तो किसी को खाना बनाने का, लेकिन कुछ लोगों के शौक इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार उनकी ही जान पर वो बनाते हैं। ऐसा ही शौक आजकल लोगों में पिटबुल नाम के खूंखार कुत्ते को पालने का चढ़ा हुआ है। ये कुत्ता इतना खतरनाक होता है कि कई बार अपने मालिक पर ही हमला कर देते हैं। पिटबुल द्वारा अपने ही मालिकों पर हमले की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब और लखनऊ में इस नस्ल के कुत्ते द्वारा अपने ही मालिकों पर अटैक करने के बाद जालंधर में भी अब एक और पिटबुल डॉग द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। ये मामला जालंधर के गारा के कनियावाली का है, जहां पिटबुल कुत्ते ने अचानक दो लड़कियों पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उन्हें जालंधर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही ASI महिंदर पाल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन देते हुए ये कहा है कि मामले की जांच होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पिछले महीने ही 29 जुलाई को पंजाब के बटाला में एक पिटबुल डॉग ने गुरप्रीत नाम के एक 13 साल के किशोर के कान को बुरी तरह से नोच दिया था। वहीं 12 जुलाई को एक पिटबुल ने लखनऊ के बंगाली टोला में रहने वाली 80 साल की अपनी ही मालकिन सुशीला पर अटैक करके उनकी जान ले ली थी। बता दें, पिटबुल काफी खतरनाक किस्म का कुत्ता होता है और इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप समेत 41 देशों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर रोक है। ये प्रजाति कुत्तों में सबसे ज्यादा आक्रामक मानी जाती है। आमतौर पर लोग अपने फार्म की देखभाल के लिए पिटबुल कुत्ते को पालते हैं। इन कुत्तों के मुंह पर जाली लगा कर रखी जाती है ताकि ये किसी को काट ना सके। लेकिन बीते कुछ समय में लोगों में इस कुत्ते को पालने का शौक काफी बढ़ा है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है ये तो हम सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी पिटबुल पालने का मन बना रहे हैं तो एक बार अपने फैसले पर दोबारा सोच ले। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।